हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं जा रही हूँ दिल्ली वापस, देहरादून छोड़ के शिफ्ट हो रही हूँ यहाँ से। तो मैंने अभी पैकिंग करी है गाइस, सुबह सुबह उठ के 6 बजे उठ के जब से मैं पैकिंग करने में लग रही हूँ, और देखो कितना सामान फैला पड़ा है। ये 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 और ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा। और गाइज, आधे से ज्यादा तो नीचे जा चुका है, आधे से ज्यादा नीचे जा चुका है, कितना सारा सामान है। और अभी देखते हैं, इसको मैं अभी नीचे रखूंगी, उसके बाद कैब बुक करूंगी, और उसके बाद फिर मैं चले जाऊंगी सीधा दिल्ली। तो गाइज, अभी थोड़ा सा सामान की बारी है, सामान उठा के नीचे रख देती हूँ मैं, है ना। नीचे पहले भाई। तो कितनी मेहनत है, हर बार मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जब भी मुझे रूम शिफ्ट करना पड़ता है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आओ भाई नीचे सामान शिफ्ट कर देते हैं। गाइस, बहुत भारी सामान है, हाथ टूट गए मेरे, पैर भी टूट गए साथ साथ। गाइस देखो कितना सामान आ गया, ओ भाई, और कितना ही तो यहाँ पे रखा है। देखो ये रखा, कितने ही सारे बैग यहाँ पे रखे, ओ भाई थक गए गाइस बहुत ज्यादा। मेरा ऐसे ही हाल होता है जब भी मैं रूम चेंज करती हूँ, लेकिन ये पहला रूम ऐसा है जहां से मैं इतने अच्छे से जा रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से रही हूँ और बढ़िया तरीके से यहाँ से मैं जा रही हूँ। ये पहला रूम ऐसा है, मतलब सफाई के मामले में भी, रहने के मामले में भी, दोनों मामलों में बहुत अच्छा लगा है। और ये हमारी माँ जी है, ये बहुत अच्छी है भाई, मस्त है। हेलो माँ जी, कैसे हो? बढ़िया हो? बस कैसा लगा आपको मैं यहाँ रही? हाँ, बरकत है इसमें, बरकत है इस रूम में, मुझे भी ऐसा लग रहा, मैं भी ऐसा ही लग रहा, देख लो मैं यहाँ रह रही, नहीं तो सामान भी इतना हो गया। तो गाइस ये चलते टाइम के लास्ट झाड़ू लगा देती हूँ रूम में, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तो साफ करके जाओ, कम से कम ज्यादा गंदा ना ही छोड़ दू आज तक के। नहीं तो मेरे जितने भी रूम रहे ना, कोई ऐसा रूम नहीं रहा कि मैंने कोई साफ सुथरा करके छोड़ा हो। ये पहला रूम ऐसा है कि जिसमें मैं झाड़ू भी लगा के जा रही हूँ। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, और अब जा रहे हैं घर पे अपने शिफ्ट करने। और बताओ माँ जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया, मस्त। याद है आपकी मेरी? सच में? हाय, हाँ याद तो आप। लो आज लास्ट बारी अपना रूम दिखा दूं वीडियो में, अपना रूम दिखा दो, फिर उस पे डाल दो यूट्यूब पे। गाइस देखो ये मेरा रूम है, और आज मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ लास्ट टाइम है आज इस रूम में, अब तो कर दिया खाली। और नहीं 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 वो तो भी अपना घर नहीं था ना, हाँ। हम तो सीधा वहीं ले जाएंगे। हाँ, तो हाँ, हो गया थे। हाँ। क्या आने वाली होगी भैया, अगर क्या है ना 18 बैग हो गए लगाए आज लास्ट टाइम, रह दुकान पे चले जाओ, कुछ चीज दिखा के आ जाऊं, फिर तो पता नहीं कब आना होगा, कब नहीं आना ही नहीं होगा, मतलब फिर तो कभी भी। चलो गाइस कैब आ चुकी है, और अभी बस मुझे अपना सामान रखना है उठा के। कैब मेरी आ चुकी है वहाँ पे, मैं यहाँ से अपना सामान उठा रही हूँ, उसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। गाइस मेरा सारा सामान शिफ्ट हो चुका है,
मैंने शिफ्ट कर दिया है, कुछ भैया ने हेल्प कर दी। बस ये बचे हैं दो कट्टे, बाकी इसके अंदर सारा शिफ्ट हो चुका है सामान, और इसके अंदर भी शिफ्ट हो चुका है। दिख तो रहा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और हम इधर से जाएंगे, तो हम अलविदा कह के जा रहे हैं दिल्ली। अब देहरादून का है हमारा लास्ट दिन, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड। थोड़ा सा और सामान बचा है, ये और उठा लो। ओ भाई, निकालना ही पड़ गया। आंटी को आज लास्ट टाइम बाय करते हैं। टाइम याद आता है तो याद आ ही जाती है। हाँ। देख लो भाई। ओ भाई। गाइस आज लास्ट टाइम जा रही हूँ मैं दुकान पे, तो सोच रही हूँ कि दुकान से कुछ लेके आ जाऊँ। तो मेरी दुकान सारी चीज से, सारी चीज़ों को लास्ट टाइम देख लेते हैं। भैया नमस्ते, चॉकलेट वॉकलेट दे दो। तो गाइस ये सारा सामान खरीद लिया मैंने, ये बैग के अंदर रख लो चॉकलेट। बाय आंटी, टाटा। गाइस चल चुके हैं देहरादून से, और ये था हमारा लास्ट टाइम देहरादून के अंदर। तो गाइस काफी अच्छा लगा। दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हो रही है बहुत भीड़, और इतना भयंकर इलाका है भीड़ भाड़ वाला। और देखो अभी हम सिर्फ अपने रूम से हैं, हम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा, सारा उतारना पड़ेगा सामान, जैसे जैसे भरा था। तो अभी रेल बनने वाली है फिर से, जैसे अभी बनी थी। तो गाइस पहुंच चुके हैं दिल्ली, इतना सारा सामान है, सामान लेके आ चुकी हूँ मैं। और ये भैया यहाँ पे पंखा लगा रहे हैं, आंटी पंखा दे के चली गई है, और यहाँ से ये एग्जस्टर दे के चली गई लगाने के लिए। हालत बुरी हो गई लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा। ये चेयर दे दी आंटी ने, बाकी ये किचन है भाई, हमारी न्यू किचन। और ये हमारा रूम है पूरा, यहाँ पे अभी बेड आ जाएगा, आंटी बेड देके जाएगी, यहाँ पे बेड आ जाएगा। अब मैं तो ये सोच रही हूँ, ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ गाइस, कि इतना सारा सामान पहले वहां से पैक किया, अब यहाँ पे अनपैक करना है सारा, फिर से लगाना है अच्छे से। कितनी मेहनत, कितनी। तो गाइस जितना मेरा सामान था सारा सामान, ये है मेरा टोटल जो था ना फाइनल, ये मेरा टोटल सामान है। और इसमें से अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सामान सोच रही हूँ गाइस कि मैं किचन में लगा लूँ, खाना वाना बना लूँगी। बाकी ये मेरा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मेरा बन के आ चुका है, रूम का रेंट एग्रीमेंट, और सारी चीज़ें मेरी फाइनल हो गई है गाइस। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रूम, मतलब सारा तो लगा नहीं सकती क्योंकि बेड आएगा कल सुबह में, तो तभी लगेगा। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत किचन का लगा लेती हूँ, और कुछ खाना वाना बनाऊंगी। देखते हैं फिर क्या करेंगे क्या नहीं, देखते हैं गाइस कि बेड कल तक आएगा कि नहीं आएगा, कल का वेट करते हैं। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।